हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव एंड वेलकम टू बत्रा हेल्थ केयर। आज आपसे बात करने वाले हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, अर्ली इजैकुलेशन के बारे में। पूरी दुनिया में ये इस समस्या से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और कहीं दुनिया में कोई इसका कोई उनको सही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो लोग क्या करते हैं कि कुछ स्प्रे ले लेते हैं मार्केट से, उससे काम चलाते हैं, कुछ लोग कोई जेल ले लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट ले लेते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का। जब आप गलत तरीके से ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हो, रॉन्ग वे में ओवर मास्टरबेशन कर लेते हो, या फिर आप प्रोन मास्टरबेशन करते हो, पेनिस के ऊपर उल्टा लेट जाते हो और पूरे पेनिस का, पूरी बॉडी का वेट पेनिस के ऊपर डाल देते हो, तो वहाँ पर आपको पेनिस की नसों में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो की कमी होती है। इसके अलावा नसों में स्किन में सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी आ जाती है, नसें कमज़ोर होती हैं और आपके एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाती और इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। अब आप सोच के देखो कि एक इंसान जो काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी खुश है कि आज मैं सेक्स करूंगा, लेकिन सेक्स के नाम से ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी भी कंडीशन है लोगों की। और बेसिकली पेनिस का जो फ्रंट पार्ट होता है जिसको प्रिप्यूस बोलते हैं, एक्चुअली जो प्रिप्यूस बोलते हैं इसकी, पेनिस के जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी स्किन को प्रिप्यूस बोला जाता है। अब उस स्किन के ऊपर हजारों हजारों बारीक बारीक नसें होती हैं और उनका काम होता है आपके इजैकुलेशन को, आपके डिस्चार्ज को कंट्रोल करना। लेकिन जब आप मास्टरबेशन करते हो तो पेनिस का जो फ्रंट पार्ट है आप उसको भी टॉर्चर करते हो, और प्रोन मास्टरबेशन में तो वहाँ काफ़ी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ जो स्किन में जो छोटी छोटी हजारों नसें हैं जो आपके इजैकुलेशन को कंट्रोल करती हैं, वो एक्साइटमेंट ज़्यादा होने के कारण या फिर स्किन में सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी होने के कारण वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और इजैकुलेशन आपका जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अगर इसको ठीक करना है और परमानेंट ठीक करना है प्री मैच्योर इजैकुलेशन को, तो आपको ये देखना है कि ये जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर जो स्किन है, जो प्रिप्यूज है, और उसके ऊपर जो हजारों नसें हैं, यहाँ पर जो स्किन है इसकी सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी को कैसे ठीक किया जाए। पेनिस का जो पीछे का जो एरिया होता है वहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होता इतना आपके इजैकुलेशन में जितना फ्रंट पार्ट का होता है, तो उसको ठीक करना। ऐसे में क्या होता है कि एक तो आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है, अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, मिर्च मसाले बाहर का खाना, फ्राइड खाना, तो उसको कंट्रोल करना है। तो अगर आप ठीक होना चाहते हो तो पूरे रिस्ट्रिक्शन और पेशेंस के साथ, पूरे डेडिकेशंस के साथ आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो और ये 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब दवाइयाँ क्या हैं? होम्योपैथी में सिम्टम कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो, और ये नेचुरल मेडिसिन है। और जो लोग होम्योपैथी को छोटा मोटा समझते हैं उनको बता दूं, उनकी जानकारी के लिए, पूरी दुनिया में होम्योपैथी फेमस है, और पूरी दुनिया में जहाँ एलोपैथी भी नहीं चलता वहाँ भी होम्योपैथी चलता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं होम्योपैथी के, पूरी दुनिया में होम्योपैथिक दवाइयों की मान्यता है। और मैं आपको कोई दवाई यहाँ से लिख के देता हूँ तो आपको अमेरिका में भी मिलेगी, कनाडा में भी मिलेगी, दुबई में भी मिलेगी, पूरी दुनिया में मिलेगी वही दवाई। और कई कंपनियाँ बनाती हैं एक एक दवाई और अलग अलग पोटेंसी। होम्योपैथी एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है, एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है। और अगर सिम्टम कलेक्शन करके, केस हिस्ट्री बनाकर, रिकॉर्ड मेंटेन करके प्रॉपर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक होती हैं, और हमने किया ऐसा। तो आपको सबसे पहले कारण और फिर निवारण, कारण का पता होना ज़रूरी है, निवारण तभी हो पाएगा। तो इसके लिए दवाइयां हैं, दवाइयां हमारी
कोरियर से ऑल ओवर इंडिया में भेजते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में आपको गर्म दवाइयाँ नहीं दे सकते, वहाँ पर आपको ठंडी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन जिन लोगों को इम्पोटेंसी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, उसके साथ भी ये कनेक्टेड होता है। मतलब कि इम्पोटेंसी के पेशेंट को एक तो इरेक्शन नहीं आएगा, दूसरा लो डिज़ायर होगा, सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल नहीं होगा या कम होगा, और तीसरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये इम्पोटेंसी के साथ है तो भी इसको ठीक किया जा सकता है, और अगर ये सिंगल है, बिना इम्पोटेंसी के है, इरेक्शन आपको अच्छा आता है, डिज़ायर आपका अच्छा है, तो भी इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ कि इसकी जो सेक्स की टाइमिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भैया टाइमिंग उतनी होनी चाहिए जितना आप डिसाइड करते हो। मतलब सेक्स आपको कितनी देर करना है, कितनी देर इंटरकोर्स करना है, ये आप डिसाइड करते हो, आपका माइंड डिसाइड करता है। और इजैकुलेशन तब होना चाहिए जब आपका माइंड चाहे, जब आपका दिमाग चाहे। और ये रियलिटी है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जब आपकी ये स्किन की सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी तो इजैकुलेशन तब होगा जब आपका माइंड चाहेगा, तब होगा, जब आपका दिमाग सोचेगा कि हाँ अब बहुत हो गया, अब मुझे डिस्चार्ज होना है। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कोई मैटर नहीं करता, हम इस चीज़ को मानते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्चार्ज नहीं हो सकता जब तक आपका माइंड नहीं चाहेगा। हकीकत यही है, रियलिटी यही है। और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको इजैकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस बात को जानते हैं, वो मेरी बात से रिलेट करेंगे कि जब वो चाहते हैं इजैकुलेशन तब होता है, अपने आप नहीं हो सकता। अपने आप हो रहा है तो मतलब आपकी एक्साइटमेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं है आपकी नसों के, और जैसे मैंने कहा स्किन की सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी के कारण ही होता है। गर्म चीज़ें खाना कम करें, मिर्च मसाले, नॉन वेज रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें और प्रॉपर मेडिकेशन करें। अगर मुझसे आपको कुछ भी पूछना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।